पशु तस्करों ने गोरक्षक दल व पुलिस से अपने आप को घिरता देख पशुओं से भरी हुई सेंट्रो कार से उतरकर पुलिस व गोरक्षकों पर गोलियां चलाते हुए खेतों के रास्ते भाग लिए। पुलिस व गोरक्षकों ने पीछा कर 3 आरोपियों को पकड़ लिया जबकि 1 फरार हो गया। इस दौरान 1 गोरक्षक को चोटें भी आई है। पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पलवल सदर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि उनकी टीम रात्रि गश्त पर थी। इस दौरान लाइफ फॉर नेशन संगठन जो गोरक्षा दल के लिए काम करता है, जिसके सदस्य सोनू ने उन्हें सूचना दी कि एक सेंट्रो कार में कुछ पशु तस्कर प्रतिबंधित पशुओं को भरकर ला रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी। जैसे ही उक्त कार आती दिखाई दी तो पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया। कार चालक कार को तेजी से दौड़ाता हुआ आगे ले गया और आगे खड़ी गोरक्षा दल के सदस्यों की गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद आरोपी सेंट्रो कार वहीं छोड़कर अवैध हथियारों से पुलिस कर्मियों व गोरक्षकों पर सीधी गोली चलाते हुए खेतों के रास्ते भागने लगे। पुलिस कर्मियों व गोरक्षा दल के सदस्यों ने उनका पीछा किया तो उन्होंने फिर फायरिंग की, लेकिन एक पशु तस्कर को पीछा कर पुलिस व गोरक्षा दल के सदस्यों ने पकड़ लिया। इस दौरान गोरक्षा दल के सदस्य सोनू को चोटें भी लगी। पकड़े गए आरोपी की पहचान टीकरी ब्राह्मण गांव निवासी नवाब के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस ने खेतों की चारों तरफ से नाकाबंदी कर आरोपी गुराक कसर गांव निवासी साजिद उर्फ सज्जी व मोहरुका नंगला गांव निवासी अलाउद्दीन उर्फ हम्मन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जिला नू के टप्पन निवासी शौकीन अभी फरार है। आरोपियों की कार की तलाशी ली गई तो उसमें 2 सांड बेरहमी से मुंह व पैरों से बंधे हुए पड़े थे। आज सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास की बात आई, हमारी पुलिस गश्त के दौरान थी और इसी दौरान गोरक्षा दल की टीम के सदस्यों के द्वारा सूचना मिली थी कि गाय की गाड़ी आ रही है और जो गोरक्षा दल के सदस्यों द्वारा और पुलिस के द्वारा संयुक्त नाकाबंदी करके एक सेंट्रो गाड़ी को राउंड अप किया था जिसमें 2 सांड भरे हुए थे और जो कि अपने गोरक्षा दल के सदस्य थे उनकी थोड़ी दूर पर गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में टक्कर मार के भागने लगे और जो गाड़ी टक्कर लगने की वजह से गाड़ी चल नहीं पाई और कूद करके वे भागने लगे। जो उनमें से टोटल 4 व्यक्ति थे जिनमें से नवाब सनोफ रमजान जो कि टिकरी ब्राह्मण का है, इसको मौके से गिरफ्तार कर लिया था और भागने वालों में एक सज्जी उर्फ सज्जा है जो कि गुराक्षर का है, दूसरा अलाउद्दीन उर्फ हमन जो कि मोरू का नगला हसनपुर के पास का है, इनको सराय खटेला के पास से राउंड अप किया है और एक दूसरा अन्य आरोपी है शौकीन जो कि गाड़ी का ड्राइवर था, ये भागने में सफल हो गया था। इसको भी जल्दी से जल्दी हम राउंड अप कर लेंगे और जिनके खिलाफ धारा 307 IPC 120B एनिमल क्रुएल्टी एक्ट एच हरियाणा गौ संवर्धन एक्ट के तहत व आरएमएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है, जो कि इन्होंने मौके पर भागने के लिए अपने आप को बचाने के लिए 2 फायर किए थे जिनमें से पुलिस पार्टी के ऊपर 2 फायर किए थे जिनमें से मौके से एक खोल भी बरामद किया था।